गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने आपको दो पॉइंट चार प्रश्नावली समाप्त की थी, पढ़ाई थी आपको। आज हम आपको दो पॉइंट पाँच प्रश्नावली पढ़ाने जा रहे हैं। तो दो पॉइंट पाँच प्रश्नावली का पहला सवाल है, कौन बड़ा है? प्रश्न नंबर एक, कौन बड़ा है? कौन बड़ा है? अब यहां पर देखा मैं 0.5 अथवा 0.05, इस पर ध्यान दीजिए कौन बड़ा है। अब ये देखिए अपने पास में, ये हमारे पास में इसको हम तोड़ना है, 0.5 बटे कितना आ गया, 10 आ गया। अथवा ये क्या आता हमारे पास में, 0.05 बटे कितना आ गया हमारे पास में, 100 आ गया। तो ये हमारे पास देखना, ये कितना हो गया हमारे पास 50 पैसे आ गए, और ये कितने आ गए हमारे पास, कितने हैं 5 पैसे, कितने हैं 5 पैसे। अब बताइए आप कि 5 पैसे बड़ा है या 10 पैसे। तो आप इसको चाहो तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ध्यान दीजिए आप इसको हर दोनों बराबर कर लो इसको। तो क्या करेंगे, इसको दोनों अगर बराबर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.5 बटे 10 गुणा 10 बटे 10 कर दो, क्योंकि बराबर करेंगे तो 50 बटे कितना आ गया हमारे पास में, 100 है। और अथवा ये बराबर है कि हमारे पास इसको क्या करेंगे, 5 बटे कितना करेंगे, 100 आ गए। तो यहाँ पर बताइए कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है ना हमारे पास। क्या लिखेंगे इसको, इसको लिखेंगे 0.5 बड़ा है इसे 0.05 से। इसी प्रकार दूसरा है 0.7 अथवा 0.5। अब यहां देखिए क्या करेंगे इसको, 0.7 बटे इसको क्या कराऊं 10 अथवा 0.5 बटे कितना कराऊं 10। अब इसमें देखिए कौन सा बड़ा है, 7 बड़ा है, दोनों का समान है, तो क्या है हमारे पास 7 बड़ा है। तो क्या लिखेंगे इसको, 0.7 बड़ा है 0.5 से, ये ध्यान देना चाहिए। अब हमारे पास में है तीसरा सवाल, इसका तीसरा कहता है 7 अथवा 0.7 उसको देखना, 7 अथवा क्या आएगा, 7 बटे कितना आएगा 10, कितना आएगा 10। इसमें हम क्या करेंगे इसको, 7 गुना 10 और 1 गुना कितना करेंगे 10, कितने आगे 70 बटे कितना है 10। और यहां 7 बटे 10 कौन बड़ा होगा, ये बड़ा होगा। क्या लिखेंगे, 7 बड़ा है 0.7 से, समझ में आया, 7 बड़ा है 0.7 से, इसको ध्यान देना अपने पास में। अब हमारे पास में ये सवाल था आपका तीसरा, चौथा सवाल इसी का, चौथा करवा रहा हूं मैं आपको, चौथा सवाल इसी का, चौथा है हमारे पास में 1.37 अथवा 1.49। अब आप खुद समझदार हैं, ये 1.37 पैसा है, ये 1.49 पैसा है, तो कौन सा बड़ा है आपके, ध्यान दीजिए इसको करेंगे,
में कितना आएगा 100 अथवा 149 करके कितना आएगा 100। तो ये बड़ा हो गया हमारे पास में, इसको क्या लिखेंगे 149 1.49 बड़ा है 1.37 से, समझ में आ रहा है 1.49 बड़ा है किसे 1.37 से। इसी प्रकार हमारे पास में सवाल आपका पांचवा, इसमें पांचवा सवाल का ध्यान दीजिए, पांचवा कहता है 2.03 अथवा 2.30 क्या करेंगे इसको 203 बटे 100 कर दीजिए अथवा 230 बटे 100 कर दीजिए। अब बताइए कौन सा बड़ा है, 230 बड़े हैं हमारे पास में, क्या लिखेंगे इसको 230, तो क्या करेंगे 2.30 बड़ा है 2.03 से, ये ध्यान देना चाहिए। तो ये था आपका पांचवा सवाल, इसका आपको छठा सवाल है, छठा 0.8 अथवा 0.88 7 पैसे, क्या लिखेंगे इसको 7 रुपए 7 बटे
से इसको शो कर दीजिए आप, क्या आएगा ₹7। इसको क्या लिखेंगे, 0.07 रुपए, क्या लिखेंगे इसको, 7.07 रुपये। इसको ऐसे क्या करते हैं, हम इसको व्यक्त करते हैं, क्या करते हैं इसको व्यक्त करते हैं। आप समझदार हैं, इसके अंदर 77 रुपये 77 पैसे, पैसे को कैसे रुपए में बदलते हैं। धन्यवाद।